तो भाई फाइनली हम लोग पहुंचे हैं कोराट और शहर बहुत अच्छा है ये भी। यहाँ पे सीपक टाकरा की वर्ल्ड चैंपियनशिप है जिसको तकरीबन 22 कोरिया का मैच चल रहा है अभी लाओस के अगेंस्ट और कोरिया जीत रहा है तो इसके सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं। सीन ये है कि कल से हमारे मैचेस स्टार्ट होंगे, आज पूरा दिन हमारा रेस्ट है और कल ओपनिंग सेरेमनी भी है और दो मैचेस भी हमारे। चलिए अब आपको लेके चलते हैं पाकिस्तान जहाँ से वही जल्दी स्टार्ट हुई थी। हम जा रहे हैं फाइनल सिक्योरिटी के लिए, फाइनल सिक्योरिटी चेक होगा उसके बाद जो है वो बोर्डिंग स्टार्ट होगी। और मैंने रिक्वेस्ट की थी यार बोर्डिंग के वक्त कि जब बोर्डिंग पास मिल रहा था कि मुझे विंडो सीट मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन उन्होंने बोला कि यार पहले से जो है वो सारी सीट्स खोलें तो मुझे विंडो सीट तो नहीं मिल रही। तो भाई सीन ये है कि फाइनल सिक्योरिटी चेक भी हो गया, अब बोर्डिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें तकरीबन आधा पौन घंटा तो लगेगा इसमें और बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो फिर जहाज़ की जर्नी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं आपसे अब लाइन में। तो भाई सीन ये है कि एयरपोर्ट से बाहर तो आ गए मैं, लेकिन वेटिंग एरिया में बैठा हूँ क्योंकि हमारी टीम जो है वो तकरीबन 4 घंटे बाद उनकी फ्लाइट है यहाँ। तो जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो फिर होटल वाले हमें लेने आएंगे एक साथ सबको। तो अभी 4 घंटे मुझे इंतज़ार करना है तो मैंने चेंज कर दिया अभी, थोड़ा यहाँ पर आराम करूँगा, अभी आराम करूँगा तकरीबन 3 घंटे जब तक टीम आ जाएगी, फिर साथ जाएंगे इंशाल्लाह होटल, तो फिर आपसे मिलते हैं होटल में। ये 3 सीट्स हैं मैं इसमें मिला के अपने साथ तकिया लेके आया हूँ। खैर मार्ट तो मैं आ गया हूँ लेकिन यहाँ पे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा पीने के लिए क्या चीज़ दी जाए। ये तो खैर पता नहीं क्या है, यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बस पानी की बोतल है, बाकी कोक स्प्राइट में लेना नहीं चाह रहा। और जूसेस तो भाई पता नहीं कौन कौन से नस्ल के, पता नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा क्या। ये तो सारी ग्रीन टी है, हाँ ये जूस कुछ अच्छा लग रहा है, ये ले लेते हैं। हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। टीम जो है वो लेट हो गई है फ्लाइट उनकी, तो टीम अभी नहीं आ रही। अभी बाबा यूएस के प्लेयर्स हैं और यूएस के कोच हैं, उनके साथ हम लोग जा रहे हैं होटल। Six, two, three. On the sixth floor.
थैंक यू थैंक यू। चलो 6:23 का भी पड़ेगा। वही सीन ये है कि हम पहुंच गए हैं अलेक्जेंडर होटल, ये है। तो लास्ट ईयर भी हम लोग का जो स्टे था वो इसी होटल में था, लेकिन अभी इस दफ़ा जो हमारा टूर्नामेंट है वो है कोरात में। कोरात डिफरेंट सिटी है, तो आज रात हम यहीं पे स्टे करेंगे और कल सुबह जो है इंशाल्लाह 11 बजे, इन्होंने बोला है 11 बजे हम लोग कोरात के लिए निकल जाएंगे। तकरीबन 3 से 4 घंटे का रास्ता है कोरात का, तो कल हम कोरात पहुँचेंगे। कल का दिन भी स्टे करेंगे, रेस्ट करेंगे और नेक्स्ट डे से हमारी ओपनिंग सेरेमनी है और फिर टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा। और थैंक यू सो मच फॉर 5000 सब्सक्राइबर्स। वैसे अभी हो ही नहीं है कंप्लीट, लेकिन मुझे पता है जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा मेरे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके होंगे। एक थोड़ा सा बैग रखा हुआ है, इसमें देखते हैं क्या है भाई। ओह, मेरे काम का नहीं है कुछ भी। ये जो है वो इसमें हेयर ड्रायर रखा हुआ है। अच्छा, चाय का भी सारा सामान रखा हुआ है इसमें। कॉफ़ी मेट है, नेस्कैफे की कॉफ़ी है, ये शुगर है और चाय की टी बैग भी है। ज़बरदस्त, ये फैसिलिटीज़ बड़ी ज़बरदस्त हैं। कैटल रखी है, पानी की बॉटल है, चाय भी बना सकते हैं। वैसे मैं टी बैग्स भी लेके आया हूँ अपने साथ। और इसके अलावा LCD लगी है, अभी देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ होती है यार होटल्स में वो यहाँ का व्यू है, बड़ा ही कोई ज़बरदस्त व्यू है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, आप जब भी होटल में चेक इन करते हैं और कम रूम में जैसे ही आते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आप देखते हैं वो ये होती है कि वाईफाई मिल जाए बस। तो वाईफाई मिल गया, मैं वाईफाई का भी पासवर्ड लगाएंगे, वाईफाई ऑन करेंगे और थोड़ी देर कॉलिंग करने के बाद फ्रेश होके नहा के थोड़ा बाहर घूमने जाऊंगा मैं 1-2 घंटे के लिए। लेकिन ये कि अभी धूप बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा वेदर ठंडा हो जाए 4-5 बजे करीब फिर बाहर निकलते हैं। अभी तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि कोरात पहुंचकर बनाएंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा कि इस टूर्नामेंट में हम लोग कामयाबी हासिल कर सकें और पाकिस्तान का नाम फिर से रोशन कर सकें। अल्लाह हाफिज़।